बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन सा गोरिल्ला पॉड यूज़ करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने पुराने गोरिल्ला पॉड भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ जो कि नया मैंने बाय किया है और क्यों बाय किया है उसका रिव्यू भी दूंगा। सो राइट नाउ अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त 3 गोरिल्ला पॉड पड़े हुए हैं, राइट। द बिगर वन जो कि मुझे असद अली टीवी ने गिफ्ट किया था एंड काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप इसको किसी चीज़ के साथ नहीं लगा सकते। लाइक इसमें जो आप देख सकते हैं डॉट्स, ये होते हैं असल में इसको किसी चीज़ के साथ हैंग करने के लिए। अगर आप लेट सपोज़ किसी ट्री के नज़दीक वीडियो बनाना चाहते हैं या ग्रिल के नज़दीक, तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ये उसी तरीके से काम नहीं करता। दिन मेरे पास ये एक छोटा सा गोरिल्ला पॉड है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इसकी जो ड्रॉबैक थी वो ये थी कि इसका जो यहाँ पे आपको पिन नज़र आ रहा है, राइट, ये पिन इसका असल में निकल जाता है और आपसे कैमरा गिरने का ख़दशा होता है। इवन अगर आप इरफान जुनेजो की वीडियो देखें तो उसका एक कैमरा जो है वो पानी में गिर गया था इसकी वजह से। एंड जो तीसरा गोरिल्ला पॉड था वो ये वाला था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं इसको यूज़ भी कर रहा था, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे इधर से निकल जाता है, राइट, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे इस गोरिल्ला पॉड को छोड़ना पड़ा। एंड मैं बेहतरीन गोरिल्ला पॉड जो कि आप समझ सकते हैं जो भी ड्राई पॉड जो आपके पास होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, नॉर्मली व्लॉगिंग के लिए बहुत बड़े ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, वो मैं उसकी तलाश में था लेकिन मुझे पेशावर में वो नहीं मिल रहा था। एंड आज मैं गया और मुझे एक नया गोरिल्ला पॉड मिला जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इसकी जो खसूसियात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, जेमैरी गोरिल्ला पॉड। इस गोरिल्ला पॉड की खसूसियात क्या है, तो आप इसमें मोबाइल फ़ोन को लगा सकते हैं, आप टैबलेट कर सकते हैं, एक्शन कैमरा के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल पोर्टेबल है, लाइक बहुत ही छोटा और सिंपल है, कैमरा माइक्रोफोन प्रोजेक्टर एंड सेल्फी के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो फोल्डिंग हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर है, लोड जो है वो तकरीबन 2 kg तक इसको बर्दाश्त कर सकता है, हाइट जो है वो 25.6 है और इसमें जो है एक क्विक रिलीज स्क्रू भी है। तो अब हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं ताकि आप भी अगर इसको बाय करना चाहें तो आप इसको बाय कर सकें और आया बेस्ट है या बेस्ट नहीं है, तो चलिए इसको रिव्यू करते हैं। जी, तो इस वक्त ट्राईपॉड आपके सामने है और गोरिल्ला पॉड, और हम इसको रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जो इसकी बॉक्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, सबसे पहले जो आपको इसमें देखता है दैट इज दिस मोबाइल सपोर्ट, और आप इसको एज अ ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मोबाइल डिवाइस, एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एज यू कैन सी, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज़ द गोरिल्ला पॉड। सो गोरिल्ला पॉड आप लोगों के सामने है, चलिए इसको ओपन करते हैं। सो इफ़ यू कैन सी द क्वालिटी जो है वो खुद ही आपको बता रहा है कि किस किस्म की है। मुझे इस रिव्यू के कोई पैसे नहीं मिले और मैंने इसको बाकायदा बाय किया है, और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको 1000 रुपीज़ में मार्केट में मिल सकता है, मीन के काफ़ी चीप है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर व्लॉगिंग राइट नाउ। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये इसके तकरीबन 3 लिक्स है, और आप इन लिक्स को बाकायदा अगर किसी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसको बाकायदा अटैच कर सकते हैं किसी भी दरख्त के साथ कहीं पर भी। उसके बाद जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि आप अगर इसके साथ कैमरा अटैच करना चाहते हैं तो आपको पूरा गोरिल्ला पॉड घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप इस नट को जो है कैमरा के नज़दीक कर लेते हैं और जब आप इसको घुमाते हैं तो ये जो है बाकायदा कैमरा इसके साथ अटैच हो जाता है। तीसरा जो है उसको आप में बाल नज़र आ रहा है आपको, राइट, एंड आप इसको यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं और आप इसको किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं, तो आप इसको बाकायदा एज अ व्लॉगर लेट्स सपोज अगर आप पर्सनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस किस्म के आप इसको पकड़ के पर्सनल वीडियो बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं लैंडस्केप वगैरह, तो यहाँ से आप इसको डाउन साइड पर ला के इस तरीके से भी आप कैमरा रख के इसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो एक और खूबी है वो ये है कि इस बाल के बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली अगर आप इस बाल को यूज़ नहीं करना चाहते तो इस बाल को साइड पे करके आप यहाँ पे जो है अपना कैमरा लगा सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको मिलेगा तकरीबन 1000 रुपीज़ से लेके
फिल 1300 का ये इसके प्राइस है और आपको महंगा भी पड़ सकता है अगर आप किसी ऐसे शॉपकीपर के पास जाते हैं जो कि महंगे चीज़ें बेचता हो, राइट। सो ये थी आज की रिव्यू और बाकी चलिए कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स गो टूवर्ड द कंक्लूजन। क्या आपको ये ट्राईपॉड बाय करना चाहिए, क्या ये वर्थी है या नहीं? तो आई थिंक 1000 रुपीज़ में अगर आपको इस क्वालिटी का ट्राईपॉड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, एक्शन कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना मेन कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बाय कर लिया है विदाउट यू नो एनी पेड रिव्यू। 1000 रुपीज़ मैंने पे किए हैं एंड 1000 रुपीज़ में मुझे जो क्वालिटी मिली है मेरे ख्याल में ये क्वालिटी बेहतरीन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, राइट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस हेड के बग़ैर भी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस हेड के साथ साथ यहाँ से एज यू नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला जो सीन होता है तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड दिस ट्राईपॉड क्योंकि एक चीप ट्राईपॉड है और एक बहुत ही कम प्राइस में आपको बेहतरीन क्वालिटी का ट्राईपॉड मिल जाता है। सो आप इसको ले सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये ट्राईपॉड पसंद आएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने पर्सनल जो आपको फेवरेट ट्राईपॉड है आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं और आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। सो अगर लेट सपोज वो वर्थी हुआ तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।